यातायात को सुगम बनाने पुलिस विभाग के अधिकारियों, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों एवं ओवरब्रिज निर्माण एजेंसी के अधिकारियों द्वारा पावर हाउस ओवरब्रिज के नीचे चर्चा की गई। चर्चा में जिन स्थानों पर निर्माण कार्य पूरा हो चुका है वहां पर लगाए गए टीनों को हटाने, स्थल को समतल करने का निर्णय लिया गया। हाईवे में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने गुरुवार को यातायात पुलिस के एएसपी विश्वास चंद्राकर, डीएसपी गुरजीत सिंह, नेशनल हाईवे के अधिकारियों और ओवरब्रिज निर्माण एजेंसी के अधिकारियों के बीच पावर हाउस ओवरब्रिज के नीचे चर्चा संपन्न हुई। चर्चा में यातायात को सुगम बनाने, दुर्घटनाओं को रोकने विचार विमर्श किया गया। जिन स्थानों में निर्माण कार्य पूरा हो चुका है उन स्थानों से निर्माण एजेंसी द्वारा लगाए गए टीनों को हटाने, स्थान को समतल बनाने सहमति बनी है। ट्रैफिक एएसपी विश्वास चंद्राकर ने सभी कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने, यातायात को बाधित होने से रोकने दिशा निर्देश दिए हैं ताकि आवाजाही कर रहे लोगों को हाईवे में आवाजाही करने में किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। चर्चा को लेकर ट्रैफिक एएसपी विश्वास चंद्राकर ने जानकारी दी। आज पुलिस के अधिकारीगण, नेशनल हाईवे के अधिकारीगण एवं ब्रिज कंस्ट्रक्शन जो कर रहे हैं उनके अधिकारीगण आए हैं, उनके साथ डिस्कस किया जा रहा है कि आवागमन को सुविधाजनक किस प्रकार से किया जा रहा है। इनको समझाया भी गया है, इनको मौके पे दिखलाया गया और जो जहाँ पे निर्माण पूरा हो चुका है वहाँ पे इनके द्वारा जो मार्ग में टीने लगाए गए हैं और जिसके कारण मार्ग संकरा हो रहा है उसको हटाया जाएगा और उसके बाद वहाँ पे जो निर्माण सामग्री एकत्रित हो गई है उसको समतल किया जाएगा और सड़क को आवागमन के लिए सुविधाजनक एवं सुगम बनाया जाएगा। गौरतलब है कि ओवरब्रिज निर्माण के चलते हाईवे में कई स्थानों पर रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया है, साथ ही हाईवे में यातायात का दबाव भी लगातार बढ़ता जा रहा है। यातायात के दबाव को कम करने, लोगों को सुविधाजनक और सुरक्षित आवागमन देने गुरुवार को अधिकारियों के बीच हुई चर्चा में कई निर्णय लिए गए। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।